अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो। अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दिन में दूसरी वीडियो लग रही है, वो आपको ये एक अपडेट देनी है। बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ है यूएई की तरफ से। यूएई हुकूमत ने, जैसे कि आपको पता है, एमएसटी स्कीम लॉन्च की थी, जो कि 1 सितंबर से लॉन्च हुई थी और जिसका टेनओवर पीरियड 2 मंथ्स का था, 31 अक्टूबर तक। लेकिन बहुत से लोगों के पुरसरार फरमाइश पे और बहुत से लोगों का काम रह गया, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि एक्सटेंड इसको करवा दिया जाए। हमने भी ये सुना, बहुत से लोगों ने हमें भी बताया कि एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन कोई फाइनल न्यूज़ नहीं आ रही थी अभी तक। लेकिन अभी रिसेंटली, अभी कोई 15-20 मिनट पहले, खलीज टाइम ने यह खबर जारी की है कि यूए हुकूमत ने फैसला किया है कि इसको एक्सटेंड करने का, मतलब अब ये मज़ीद 2 महीने और एक्सटेंड हो जाएगी, यानी 31 दिसंबर तक अब ये एमएसटी प्रोग्राम चलेगा, जिसमें लोग अपने आप को लीगलाइज करवा लेंगे, वीज़ा स्टेटस चेंज करवा लेंगे, और जिनके पास जॉब नहीं है वो जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे और अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लेंगे। जिन्होंने यहाँ से एग्ज़िट करना था उनके लिए भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि आउट पास बनवाना पड़ रहा था, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पासपोर्ट्स नहीं आ रहे थे, बहुत से मसले मसाइल में पड़ गए थे। तो इसीलिए यहाँ की हुकूमत ने फैसला किया है कि इसको 2 महीने मज़ीद एक्सटेंड कर दिया जाए। मैं आपके साथ ये खलीज टाइम की न्यूज़ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ऑथेंटिक न्यूज़ है। आई होप आपको वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी होगी। आगे भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उनके साथ जो कि वेट कर रहे थे कि कब एमएसटी एक्सटेंड होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।